मेरे ख्याल से तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत कम्युनिटी सेंटर है, जहां हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे की तकलीफ़ में मदद करें और एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो रास्ता जंग आज़ादी आज़ादी के आंदोलन के दौरान हुआ, उसी रास्ते को मजबूत करने के लिए एक तरफ महात्मा गांधी को रखें, एक तरफ मौलाना आज़ाद को रखें, उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इन जैसे लोगों को कम्युनिटी के आदर्श के रूप में रख के एक अच्छा कम्युनिटी सेंटर बनाना हर जगह ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो हमारी जनरेशन है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा देश की पावर है, ताकत है। कल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। कल हमारा जो गवर्नमेंट है, जो कंट्रोल है, उनके हाथ में आने वाला है। जो जब मुनासा फ्रेश माइंड फ्रेश होगा, माइंड उनका जो सिकुलर होगा, तो यही जाकर के हमारे अच्छे जाकर काम करेंगे और दुनिया में नाम करेंगे। देखिए, आज तो किताब का इजरा है, यहाँ पे आपको बहुत ही काफ़ी रियायत में ये किताब दस्तयाब होंगी। साथ ही शब्बीर अहमद अंसारी साहब के दफ्तर से भी आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं, और बॉम्बे का एक अदारा है किताबदार, शादाब रशीद उसके मालिक हैं, आप वहाँ से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं। मराठी में भी है किताब और उर्दू में भी किताब है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज इस तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों का गुण गौरव किया जा रहा है, कितना ज़रूरी मानते हैं आप, और जो गतिविधियाँ फिलहाल समाज में चल रही है उसको ध्यान में रखकर युवाओं की तरफ कैसा ध्यान देना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो बहुत गिरावट की तरफ जा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा, नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए, दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूल्स में जो कॉलेजेस में शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत कम हो रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये ऐसा एक परिस्थिति है कि जब हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत गिरावट की तरफ जा रही है, तो ऐसे मौके पर विद्यार्थियों को प्रेरणा देना, एनकरेज करना, ये जो प्रोग्राम है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें से वो जब देखेंगे कि वो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो समाज उनकी इज्जत करता है, तो इससे उनके खुद का जो कोशिश करेंगे शिक्षा के लिए वो काफ़ी बढ़ेगी। और मैं सोचता हूँ कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए, और दूसरी तरफ से विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रेरणा देना चाहिए, जैसा कि आज का प्रोग्राम कर रहा है। विद्यार्थियों को ज़्यादा एनकरेज करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में जिस तरीके से गतिविधियां जो चल रही है, एक चित्र अलग तरीके से सामने आ रहा है, जिस तरीके से युवाओं को जैसे कहा जाता है पढ़ाना ज़रूरी है, और आज जो युवा अलग ही तरीके का एक ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है उसके लिए एक तो जो हम अभिभावक हैं, बड़े पुरानी जनरेशन के लोग हैं, हमने पूरी कोशिश करना चाहिए कि वो मोबाइल, व्हाट्सएप, इससे हटकर लाइब्रेरीज़ में किताबें पढ़ें, उनको किताबों में ज़्यादा रुचि दिलाई जाए, और ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जो ज्ञानवर्धक हों, जो साइंटिफिक और रैशनल हों, तार्किक हों, जिससे बच्चों के सोचने का तरीका ज़्यादा बेहतर बने, वो खुद सोचें, अंधविश्वास से किसी बात को स्वीकार न करें। ये हमारी समाज की जिम्मेदारी बनती है, और आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक छोटा सा कदम है, और ऐसे और चीज़ें होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को प्रेरणा मिले और सही किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो भी उनको एक उसके बारे में भी समझ मिले। लेकिन आज युवाओं को कुछ राजकीय लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो समाज में जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर, जो हिंदू मुस्लिम हो या अलग अलग जात धर्म का भेदभाव लेकर आज लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों के अंदर अलग तरीके से बीज बोया जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी अपने आप को सेफ कैसे समझेगी? देखिए, आने वाली पीढ़ी में अगर ये बातें ऐसी चलती रही तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल से इसके विरोध में समाज में एक अच्छी प्रक्रिया चल रही है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देती है, और ख़ास तौर से भारतीय संविधान को सामने रखती है। जब भारतीय संविधान को हम सामने रखते हैं तो उसमें समता आ जाता है, यानी एक तरफ तो अलग अलग जातियों की समता, दूसरी तरफ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सबकी समता, तीसरी तरफ स्त्री और पुरुष की समता, ये सब में आ जाती है। तो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि जो पुरानी ढर्रा चल रहा है एक राजनीति का, जो लोगों में बंटवारा कर रहा था, लोगों में नफरत डाल रहा था, जिसके कारण हिंसा हो रही थी, उसके प्रतिकार के रूप में एक अच्छा गठबंधन तैयार हो रहा है, जो संविधान के मूल्यों के आधार पे एक अच्छा समाज बनाने की बात कर रहा है। तो ये एक दोनों प्रकार की ताकतें हैं, तो हमें
इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा समर्थन देना चाहिए जो समाज को जोड़ती हैं, सभी धर्मों का आदर करती हैं, सभी धर्मों के बारे में आदर पैदा करती हैं। ऐसी चीज़ों को हमको जोड़ना चाहिए तो आगे वाले समाज में एक अच्छा चीज़ हमको देखने को मिलेगी। इस तरीके से लोगों को भी आगे आना चाहिए और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको जैसा सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, घर के लोगों ने भी या समाज में के और भी तबके के लोगों ने भी ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, जैसे ये सामाजिक संस्था है तो वैसी जिम्मेदारी ले रही है। ऐसी और एक चीज़ अभी महाराष्ट्र में चल रही है, छोटी छोटी लाइब्रेरी वाला मूवमेंट, और ऐसा और एक चलना चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, वो केवल सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, मॉरल वैल्यूज़ भी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती है, समाज के बारे में सोचना भी होता है। तो कॉलेजेस और स्कूल्स को ज़्यादा महत्व देकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पीछे ढकेलने की कोशिश करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, कम्युनिटी सेंटर कितना ज़रूरी है आज की तारीख में? मेरे ख्याल से तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत कम्युनिटी सेंटर है, जहां हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे की तकलीफ़ में मदद करें, और एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो रास्ता जंग आज़ादी के आंदोलन के दौरान हुआ, उसी रास्ते को मजबूत करने के लिए एक तरफ महात्मा गांधी को रखें, एक तरफ मौलाना आज़ाद को रखें, उसी के साथ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, इन जैसे लोगों को कम्युनिटी के आदर्श के रूप में रख के एक अच्छा कम्युनिटी सेंटर बनाना हर जगह ज़रूरी है। पहल तो यही है कि हमारे बच्चे आज पढ़ने की तरफ रुझान कम होता जा रहा है, मोबाइल की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को हम पेरेंट्स को भी हम कॉन्फिडेंस मिलेंगे और हमारे बच्चे मोबाइल को छोड़ करके हमारी किताब की तरफ आए, बुक की तरफ आए, तो उससे हमारी कई चीज़ें होगी। एक तो उनका पढ़ने की तरफ उनका रुचि बढ़ेगा और प्लस उनके अंदर एक अलग माइंड डेवलप होगा, जिससे हमारा समाज जो है डेवलप हो सके और समाज में जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं उसको एक ह्यूमनिटी मैसेज, एक मानवता की तरफ हम उसको फेर सकते। जब तक ये माहौल हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, हम कुछ उन्नति का काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम एक आदमी का काम नहीं होता है, सबके ऊपर वाले ने जो रचना रची है एक अलग अलग खूबी देकर के, एक अलग अलग विधि देकर के भेजिए, एक सब मिलेंगे, एक हमारी ताकत बनेगी, एक हमारा पावर बनेगा, एक शक्ति बनेगी, हम उस समय देश को तरक्की करने में, आगे बढ़ाने में हमारा सबका योगदान होगा। ये अकेले का काम नहीं है ये। लेकिन आज जो चित्र बना हुआ है समाज में, युवाओं के सामने जो मिसाल आ रही है वो देखते हुए युवा कहाँ से अपने आप को सेफ मानता है, कहाँ से वो सब अपने जो बाप दादा जो चले आए हैं उन्होंने जो सिखाया जो किया है उसके ऊपर वो चलेंगे कैसे, क्योंकि चित्र ही कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। देखिए, हर वक्त में हर जमाने में चैलेंज हुआ है। जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो उस लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और आपका यहाँ का पिक्चर सामने है कि जो उनको मजबूर होकर के छोड़ के भारत को जाना पड़ा। और गांधी जी ने सिर्फ भारत को आज़ाद करने के लिए नहीं आवाज़ उठाई थी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो लोग कंट्रोल कर रहे थे सब जगह से और कामयाबी मिली। उसको कोई सोच सकता था कि आज से जब 100 साल हम पीछे जाएंगे कभी सोचा नहीं होगा कि भाई अंग्रेज यहाँ से जा सकता, हम उसको भगा सकते हैं। जब इतना पावरफुल जो रूलर्स थे उसको हमने यहाँ से भगा दिया, ये तो मामूली कुछ लोग हैं। हमारे यहाँ आज भी, मैं तो एकदम को ये कहूँगा, 90% आज भी हमारे जो सेकुलर लोग हैं और अच्छे विचार के लोग हैं, और हम मैं बैठता हूँ सब लोगों में, हमसे ज़्यादा बेहतर उनको भावना रखते हैं। मैंने हॉस्पिटल्स का विजिट किया है, काफ़ी हॉस्पिटल का, वो मुस्लिमों से ऐसा मिलते हैं जैसा ले उनका भाई हो, कोई ऐसा हम तो नहीं देखते। कुछ लोगों का ये फैलाया हुआ भ्रम है और इसको हम चाहते हैं कि भाई हम इसको जोड़ करके इसको तोड़ दें। और हमारे बच्चे के अंदर ख़ास तौर से नशे की जो लत लग रही है और इसमें बड़े बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्व है, तो हम चाहेंगे बच्चे हमारे पढ़ने की तरफ आए, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम देश को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। सर, मंडल नंबर जो किताब की आज जो ओपनिंग हो रही है, जो उर्दू ट्रांसलेशन किया गया है मुझे अकबर साहब ने, तो क्या है सर किताब में उर्दू ट्रांसलेशन में इतना ज़रूरी है? देखिए, मैंने किताबें नदमे पढ़ने की वजह से हज़ारों नहीं लाखों किताबें पढ़ी है, अब बड़े बड़े स्कॉलर्स की, इंटरनेशनल स्कॉलर्स की पढ़ी है। एक किताब ऐसी जो मैंने 2 दिन में ख़त्म किया मैंने, इतना सादा सिंपल। इनके शबीर अहमद अंसारी साहब का जो 45 साल का जो मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनकी कुर्बानी है और उनकी जो क्या नाम है इसके आगे बढ़ाने के लिए, इसको कामयाब करने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद किया है, कोशिशें की हैं, और जैसे विधि विजयों ने, जैसे जाहिर डॉक्टर जहीर काजी साहब हैं, क्या नाम है दिलीप कुमार साहब है, इनको जो साथ दिया है और इसके काम करने के लिए, तो वो किताब इतना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं ये हर घर में ये
किताब सबको पहुंचना चाहिए, भले उर्दू वाले उर्दू ले, मराठी वाले मराठी ले, हमने इसको आग्रह किया है कि भाई इसको हिंदी में भी आना चाहिए, इंग्लिश में भी आना चाहिए, और इसके लिए अब तक मोशन छेड़ना चाहिए कि भाई लोग किताब लोगों के अंदर लेने के लिए बेदारी कैसा पैदा हो और लोग इसको कैसे पढ़ें, पढ़ें तो उनको मालूम पड़ेगा। इन्होंने पूरा घर बार छोड़ करके अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी। इसीलिए डॉक्टर दिलीप कुमार साहब ने उनको नाम से शबीर अहमद अंसारी से नहीं पुकारते थे, मुजाहिद के नाम से बुलाते थे। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा है, तो जी जो समाज में अभी फिलहाल युवाओं के बीच में जो बोया जा रहा है, और युवा एक अलग दिशा की ओर है, जैसा आपने देखा नशे को लेकर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस पर रोक कहीं लग नहीं रही है। नशे के अधीन और भी युवा जाते जा रहे हैं, उसके लिए क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, क्राइम भी होता जा रहा है, तो उसके ऊपर कैसे एक साथ लोगों ने आना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमने बहुत सारे विंग बनाए हैं, खास तौर से हम लोग पुलिस वाले से और क्राइम वाले से मिल रहे हैं, और इस पर हम लोग काफ़ी हम लोग का डिस्कशन चल रहा है कि इन सब चीज़ों से, देखिए हमेशा समाज में कुछ ही लोग होते हैं सर फैलाने के लिए, बुराई फैलाने के लिए। ज़्यादातर मैं आपको दिलाऊं, 22 जनवरी को जो बाबरी मस्जिद का स्थापना हो रहा था अयोध्या राम मंदिर का, उस दिन हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल में थे, लगभग 350 लोगों में फ्रूट्स हम लोग बांटे, पूरी हमारी टीम थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग इंडिया में या भारत में नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, कि मुस्लिम हमने पूछा भी नहीं, उन लोगों ने पूछा, इतनी खुशी का इजहार किया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं भारत में हूँ। मैं तो ऐसा लग रहा था एक स्वर्ग है, एक जन्नत है हमारा देश, और उसी में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है, काम की शुरुआत करने वाला होना चाहिए, और लोग हैं, और इस चीज़ को, अच्छी चीज़ को आज भी लोग कबूल करते हैं, उनको पहचान पहुँचाने वाला नहीं है कोई। मैं तो ये कहूँगा हमारी पब्लिक जनता जो भी है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, हमें कहने के लिए हमारे यहाँ डिफरेंस नहीं है। आज भी उनके अंदर ये है कि भाई अच्छे चीज़ों का, अभी मैं आपको अभी जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ नया आया था, तो मैं घूमने के लिए तलोजा मस्कूर है, पूरे 100% हिंदू आबादी है। देख साहब, मेरे कुर्ते पजामे व्हाइट में था, बोले क्या बात है? मैंने नहीं, मैं यहाँ घर लिया हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने इतना रूसी से मोहब्बत से प्रेम से मुझे बैठाया, आप चाय पीजिए पानी पीजिए, ये क्या चीज़ का संकेत है? ये भाईचारगी का ही संकेत है, एक मोहम्मत और प्यार का ही ये संकेत है। हमें तो यहाँ से मायूस नहीं है, यहाँ से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं हमको यहाँ से, और इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मिल करके इस देश को, जो हमारा एक दुनिया का, जैसे आज इससे पहले सोने की चिड़िया थी, हमको सोने के हीरे की चिड़िया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो बच्चों को आप सम्मानित कर रहे हैं, उसके हौसला अफजाई के लिए क्या कहते हैं? उनके हम के भाई, हम इसलिए, ये छोटा सा एक शुरुआत है, हमारी छोटी सी शुरुआत है ये, और ये देखिए इनाम का, छोटा हो या बड़ा हो, इनाम इनाम होता है। इस चीज़ से हमारे दूसरे जो पेरेंट्स हैं, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं, इसलिए उनको एक रहनुमाई मिलेगी, एक हौसला मिलेगा कि हमारे बच्चे भी बढ़ चुके। आज मैंने छोटे से शुरुआत किया, कल इंशाल्लाह इससे बड़ा करेंगे हम, और इनाम इनाम होता है। और इस हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे में इस तरह से, आज कल दो बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप लोगों को क्या सिलेक्ट किया, आप हमारा भी नंबर टॉप में, हमारे पास गुंजाइश नहीं। फिर भी मैंने उन बच्ची को जज्बा देखते उनको मैं रखा कि नहीं आपको मैं दूंगा, आप आओ। मेरे पास मैं लगभग 14 बच्चे हैं, हमने 12 को सिलेक्ट किया था, लेकिन मैं 2 को और बढ़ा लिया हूँ उनकी जज्बा को देखते हुए, कि जब बच्चे सामने से, पेरेंट्स सामने से कर रहे हैं तो चलो ठीक है, मेरे पर थोड़ा सा बोझ बनेगा, लेकिन हम लोग बांटेंगे इसको और उनको हौसला तोड़ेंगे नहीं हम। तो उनको बुलाया मैंने, आप आइए। आप बच्चों की हौसला अफजाई करना कितना जरूरी है? नहीं, सबसे पहले हमारी ये फ्यूचर है, ये हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा देश की पावर है, ताकत है। कल हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। कल हमारा जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, उनके हाथ में आने वाला है। तो जब मुनासा फ्रेश माइंड फ्रेश होगा, माइंड उनका जो सिकुलर होगा, तो यही जाकर के हमारे अच्छे जाकर काम करेंगे और दुनिया में नाम करेंगे। ये हमारी पूंजी है, हमारी असल पूंजी है। इनको पॉइजेशन किया जा रहा है, उनको हमको ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। आज सर काय सांगणार आहे? आज खूप मोठ्या संख्येमध्ये मुलं इथे उत्साहित आहेत, 10वी 12वीचा त्यांचा सत्कार होतोय का? खरोखरच अतिशय चांगला असा प्रोग्राम मौलाना शब्बीर साहेब आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी जो कार्यक्रम आयोजित केला, खरोखरच सुंदर असा कार्यक्रम। त्याच्याचबरोबर आमचे इकबाल जी आहेत, मोहम्मद जी आहेत, या इथल्या तलोजाची सर्व मान्यवर जी मंडळी आहेत, त्यांनी ह्या कार्यक्रमासाठी मदत केली। कारण या ठिकाणी नक्कीच आमच्या जे विद्यार्थी आहेत 10वी 12वी, यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी चांगले चांगले ते वक्ते आणले, कारण ते या ठिकाणी बक्षीस ते त्यांना पास झाल्यानंतर बक्षीस दिला, परंतु त्यांना एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन देण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचे वक्ते या ठिकाणी त्यांनी
आणलेले आहेत, त्यामुळे नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम झालेला आहे. कुठे ना कुठेतरी इथे हिंदू मुस्लिम एकता पण दिसलेलं आहे तुम्ही आल्यानंतर खूप, आणि मुस्लिम पण आहेत, हिंदू पण आहेत, सर्व धर्माचे लोक येतात या ठिकाणी. जो आयोजन केला आहे तेही बघा, इथं बघत असेल तर सर्व धर्माचे लोकांना तेही, फक्त मुस्लिम समाजालाच इथे बक्षीस दिले नाही तर हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई ज्या ज्या धर्माचे विद्यार्थी ज्या ज्या कॉलेजमध्ये शिकत असतील त्यांना सर्वांना घेऊन या ठिकाणी त्यांनी बक्षीस दिलेले. आणि तलोजाची फेज वन फेज टू ज्यावेळी शिडकोनी या ठिकाणी वसाहत निर्माण केल्यानंतर आम्ही सर्व इथं सर्व पक्ष आमचे असतील, सर्व जाती धर्माचे लोक आम्ही एकत्र येतो. प्रत्येक सण असो सणासुणाला आम्ही एकत्र येतो आणि इथे कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद नाही. प्रत्येक सणामध्ये आम्ही सहभागी होतो, हिंदूंच्या सणामध्ये मुस्लिम सहभागी होतात, मुस्लिमांच्या सणामध्ये हिंदू सहभागी होतात, ख्रिश्चनांच्या सणामध्ये सर्व सहभागी, म्हणजे सर्व जाती धर्माचा एकता भाव या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल तर तलोजा फेज वन फेज टूमध्ये. कारण गेली 10 वर्षे कुठल्याही प्रकारचं आमच्या दोन्ही तिन्ही समाजात भांडणतंटा इथे तुम्हाला दिसणार नाही. आज का प्रोग्राम जो है नीट में कामयाब हुए तलबा के हौसला अफजाई के लिए है, साथ ही मंडल नामा जो दिलीप अकबरे साहब ने मराठी में किए उसका तर्जुमा मंडल नामा उर्दू के नाम से हुआ है, उसके इजरा की ये तकरीब है. तो उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा. कितना ज़रूरी है इस तरीके का प्रोग्राम? इस तरह के प्रोग्राम जब किए जाएंगे तो लोगों को ये पता चले कि नीट में दिगर बच्चे कामयाब हुए तो हमने भी कामयाब होना चाहिए, तो दूसरे बच्चों को भी इससे तहरीक मिलेगी. तो ऐसे प्रोग्राम आज जगह जगह होना चाहिए. सर, ये किताब के जो है ट्रांसलेटर आप हो जी, सर ये इसके लिए किताब के अंदर कौन से टॉपिक हैं और कितना ज़रूरी है लोगों को पढ़ना और क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, इस किताब का बुनियादी मकसद जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो अपने सोसाइटी में हैं उन लोगों की जो सहूलियात मंडल कमीशन ने दिया था उस तक लोगों तक अब पहुंचना चाहिए. आज बहुत सारी कम्युनिटीज़ है उनको पता नहीं है कि अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट कैसा बनता है और इस कैटेगरी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं. तो इसका किताब में जो तफसीलात इसको आपको जानेंगे उसके अंदर कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है कौन है, कौन कौन से इसमें पेशे आते हैं, तो फिर और इसका सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है और फिर एजुकेशन में और नौकरियों में हमें इसका कितना फ़ायदा होगा, इसलिए इस किताब का मुताला बहुत ज़रूरी है. किताब जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है? देखिए, आज तो किताब का इजरा है, यहाँ पे आपको बहुत ही काफ़ी रियायत में ये किताब दस्तियाब होंगी. साथ ही शब्बीर अहमद अंसारी साहब के दफ्तर से भी आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं और बॉम्बे का एक अदारा है किताबदार, शादाब रशीद उसके मालिक हैं, आप वहाँ से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं. मराठी में भी ये किताब और उर्दू में भी किताब है. देखिए, ये क्या है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है इस मामले में कि समाज में जो कुछ बुराई है उससे लड़ने के लिए भी कुछ लोगों को सामने आना चाहिए. जब तक सामाजिक संगठना सामने नहीं आएंगी तो ये सरकार का ही काम नहीं होता है. जैसे लाइब्रेरी की बात है कि लाइब्रेरी कायम करना चाहिए. आज के ज़माने में हमारे बच्चे मोबाइल पे अपना वक्त गुजारते हैं, उससे ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि बहुत सारी खराबियाँ हो रही है उनके दिमाग में, उनकी मेमोरी जा रही है, उनके आँख खराब हो रहे हैं, वो बच्चे का दिल नहीं लगता किताबों में पढ़ने में. तो उनको किस तरह से अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए उनके एडवांटेज के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, ना कि नुकसान के लिए. तो ऐसे मौके से जब तक हम वो जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमारे देश में या दुनिया में रहा है उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा. वहाँ बच्चों को किताबें पढ़ने का शौक़ दिलाना पड़ेगा. तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोशिश करके हम जो है समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं. यहाँ पर अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके बीच में वो जाके बातें करेंगे कि साहब हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए. यहाँ पर बात होगी, जो लोग आए हुए हैं वो बोलेंगे. तो मैं समझता हूँ कि इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में कि हमको किताबों से जुड़ना चाहिए, मोबाइल से जुड़ना नहीं. मोबाइल सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए है, मेल देखने के लिए है, फ़ोन करने के लिए है, उसके अलावा और फालतू काम जो करते हैं हमारे मोबाइल पर हमारे बच्चे वक्त बर्बाद करते हैं उसके लिए नहीं है. ये अच्छा मैसेज जाएगा. हा कार्यक्रम जो छेड़ आलेला आहे मौलाना न्याज नदी साहेबतर्फे, हा फार महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. ह्या काळामध्ये कोणी कोणाला विचारत नाही आहे, कोणी कोणाचं हे आणि वेळ द्यायला लोकांना वेळ नाही आहे. पण हा जो सन्मान कार्यक्रम ठरवला आहे विद्यार्थ्यांचा, जे आमचं भारताचं भविष्य आहे, आज आपण याचा सन्मान करणार हे यांना एक लोकांना हे म्हणतात हा आमच्या लोकांनी आम्ही सन्मान केला आहे, पण ते पण सन्मान करणार येणाऱ्या पिढीला. इथे मौलाना 2-3 उपक्रम चालवतात हे, त्यांनी एक मोहल्ला बालभवन चालू केलं, बालवाचनालय. बालवाचनालय संपत आहे, वाचनालय कुठंच नाही आज, त्यामध्ये वाचनालय आहे तरी मुलांचं काहीच नाही आहे. तो ह्या जो कन्सेप्ट शुरू किया है मौलाना बच्चों को लायब्ररी का, मैं वो हमारी एक बेटी है मरियम मिर्ज़ा, उसको उन्होंने उससे प्रभाव होकर उन्होंने शुरू किया है, आप बताएंगे. दूसरा यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आज जो किताब का विमोचन है, ये आप किताब देख रहे होंगे, ये मंडल एक
दो किताबें हैं, मराठी में थी, इसका उर्दू भाषांतर हुआ है। इस किताब के बारे में जन जागृति लाएँ। शब्बीर अहमद अंसारी साहब पूरे देश में वो नेता है, इनके बराबरी का पीएम तो बना नहीं, लेकिन जो काम शब्बीर अंसारी ने किया है, आज जिसकी लड़ाई के लिए जारंगे पार्टी रोड पर है, ओबीसी के लिए, ओबीसी की जगह से लड़ा है, तो मुसलमानों की 90% आबादी जो है ओबीसी में आती है। ये शब्बीर मैंने बताया है कि पूरी जाति जो मुस्लिम जाति के अंदर दिए हुए है, कि मुसलमानों में जाति कौन सी ओबीसी में आती है, जो जाति हिंदुओं में है ओबीसी की वो मुसलमानों के अंदर भी है। ये व्यवसाय है, व्यवसाय के बेस पे लोगों जो है, अब ये मुसलमानों को मालूम नहीं है कि ओबीसी में है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एक वो बताना है कि आप ओबीसी में, आपके जाति इसके अंदर से है तो आप सर्टिफिकेट निकालो, उससे गाइडेंस देंगे। दूसरा किताब देना है, लोग बताना है शब्बीर अंसारी का जीवन संघर्ष क्या है, जो शब्बीर ने काम किया है वो किसी भी मुस्लिम अपने प्रेसिडेंट ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने किया। लाखों बच्चों को आज फायदा मिल रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से। एक में शब्बीर अंसारी है, उनका परिचय था। आज के कार्यक्रम समझते हैं कि ये पूरे इलाके के लिए एक फायदेमंद होगा, और आपका भी शुक्रिया कि आप, आपके माध्यम से ये बात को फैलाएंगे। धन्यवाद। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम।